Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, to deliver his statement to the press. Your Excellency, Rashtrapati Soli, Maldives se aaye anya sammanit mantrigan tatha atithi. Rashtrapati Soli, aapka, Srimati Soli, और आपके शिष्टमंडल के सदस्यों का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई. मालदीव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष और आपकी सफलता प्रेरणा का स्रोत है. पिछले महीने आपके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना मेरे लिए ही नहीं भारत के लिए बहुत सम्मान का विषय था. राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत को चुना है. यह हमारे लिए बहुत सम्मान का और गर्व का विषय है. आपकी इस यात्रा से उस गहरे आपसी भरोसे और दोस्ती की झलक मिलती है जिन पर भारत मालदीव संबंध आधारित है. हमारी मित्रता सिर्फ हमारी भौगोलिक समीपता के कारण ही नहीं है. सागर की लहरों ने हमारे तटों को जोड़ा है. इतिहास, संस्कृति, व्यापार और सामाजिक संबंध हमें हमेशा और भी नजदीक लाए हैं. दोनों देशों के लोग आज लोकतंत्र में अपनी आस्था और विकास की आकांक्षाओं से भी आपस में जुड़े हैं. आपकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच इन संबंधों के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी. फ्रेंड्स, राष्ट्रपति सोली और मेरे बीच आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मित्रता भरे वातावरण में बहुत सफल चर्चा हुई. हमने दोनों देशों के बीच परंपरागत मजबूत तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया. एक्सलेंसी, आपकी सरकार के पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के विजन की मैं अत्यधिक सराहना करता हूं. एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी के रूप में हम मालदीव की सफलता की कामना करते हैं. मालदीव के लोगों के जीवन को बदलने की आपकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंजाम देने में और मालदीव में विकास का मानवीय रूप यानी ह्यूमन फेस और भी निखारने के आपके प्रयास में भारत हमेशा आपके साथ है. मुझे खुशी है कि इस प्रतिबद्धता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के तौर पर मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बजट सपोर्ट, करेंसी स्वैप और रियायती लाइन्स ऑफ क्रेडिट के रूप में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता भारत मालदीव को प्रदान करेगा. दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा. बेहतर कनेक्टिविटी से गुड्स और सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, विचारों, संस्कृति और लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, आईसीटी और टूरिज्म में भी हमारी भागीदारी को और मजबूत बनाने का मैंने राष्ट्रपति सोली को आश्वासन दिया है. हमने अगले 5 वर्षों में मालदीव के नागरिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त
1000 सीटें देने का भी निर्णय किया है। हमारे नागरिकों के बीच सौहार्द हमारे संबंधों का विशेष पहलू है और इसलिए आज हम नए वीजा समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हैं। हम अपने वाणिज्यिक संबंधों तथा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मालदीव में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के निवेश के लिए बढ़ते अवसरों का मैं स्वागत करता हूं। ये दोनों देशों के लिए परस्पर लाभकारी हैं। मालदीव में पारदर्शी, जवाबदेह और नियमों पर आधारित प्रशासन का विजन भारतीय कारोबारियों को एक स्वागत योग्य संदेश देता है। राष्ट्रपति जी, भारत को गर्व है कि हमारे मित्र और पड़ोसी मालदीव ने एलडीसी श्रेणी से मध्यम आय वर्ग देश बनने की मिसाल कायम की है और मालदीव की यह उपलब्धि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज की गंभीर चुनौतियों के बावजूद है। इन चुनौतियों के निराकरण में और सामुद्रिक संसाधनों के सस्टेनेबल विकास में मालदीव की भूमिका विश्व भर में महत्वपूर्ण होगी और इसलिए भारत और मालदीव के बीच मैरिटाइम कोऑपरेशन के विविध आयाम पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर हम सहमत हैं। एक्सेलेंसी, कॉमनवेल्थ में फिर से जुड़ने के आपके निर्णय का भारत स्वागत करता है। हम इसका मजबूती से समर्थन करेंगे। हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA परिवार में भी आपका स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति सोली और मैं इस पर भी सहमत है कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें अपने सहयोग को और गहन बनाने की जरूरत है। दोनों देशों के सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति सचेत रहने पर भी हम एकमत हैं। साथ ही ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए हम अपने देशों का उपयोग नहीं होने देंगे जिससे एक दूसरे का नुकसान हो। हमारे क्षेत्र के विकास और स्थिरता में भारत और मालदीव दोनों की बराबर की रुचि और हिस्सेदारी है। मैं मालदीव और हमारे क्षेत्र के ऐसे उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रपति सोली के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, जिसमें भारत और मालदीव के संबंधों की अनंत संभावनाओं का पूरा विकास हो और उनका पूरा लाभ दोनों देशों के नागरिकों को और इस क्षेत्र के लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।